हेलो फ्रेंड्स, आज ही क्लास का टॉपिक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। आज हम पढ़ने वाले हैं ग्लोबलाइजेशन। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने वर्ल्ड लेवल पर किस किस के साथ कोलेबोरेशन किया, कहाँ पर इसके सेंटर्स हैं, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। प्रीवियस ईयर का पेपर आप उठा के देखेंगे, AIAPG 2023, वहां में भी इसका क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। ग्लोबलाइजेशन, सबसे पहले देखते हैं कोलेबोरेशन विद WHO। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने WHO के साथ साथ क्या क्या कोलेबोरेशन किया है, ठीक है। WHO कोलेबोरेटिव सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन एट ITRA जामनगर एंड MDNIY मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर योगा, जो कि न्यू दिल्ली में है, यहाँ पर स्टेब्लिश है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि WHO के जो कोलैबोरेटिव सेंटर है ना, सहयोगात्मक जो सेंटर है ट्रेडिशनल मेडिसिन से रिलेटेड, वो कहाँ पर है। तो वो एक जामनगर में है, ITRA जिसका नाम हो गया है, पहले IPGTNRA था, है ना। तो ITRA में है और एक कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है, ठीक है। डिप्यूटेशन ऑफ आयुष एक्सपर्ट ऑन सेकेंडमेंट बेसिस एट P5 लेवल एट WHO हेडक्वार्टर जेनेवा। तो जो WHO का हेडक्वार्टर है जेनेवा, ठीक है, वहां पर P5 लेवल पर एक आयुष एक्सपर्ट होना चाहिए, ठीक है, और टेक्निकल इसका ऑफिसर होना चाहिए कहाँ पे, P4 लेवल पर, है ना। तो ये अभी अनाउंस किया गया कि आयुष एक्सपर्ट जरूरी है P5 लेवल पर, कहाँ पर, जेनेवा में, और P4 लेवल पर टेक्नीशियन टेक्निकल ऑफिसर होना चाहिए, ठीक है। बाकी का यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष हैज साइंड 3 प्रोजेक्ट। जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है, इसने WHO के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट पर साइन किया, एक नहीं सॉरी 3 प्रोजेक्ट पर साइन किया, 3 प्रोजेक्ट कोलेबोरेशन एग्रीमेंट। कब किया, 2016 में किया। क्यों किया, ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ हेल्थ केयर इनहेंसिंग, जो ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है उसको बढ़ावा देने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने WHO के साथ 3 जो कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट है उस पर साइन किया, ठीक है। आपको डेट याद रखनी है, कब किया है, 2016 में किया है, ठीक है। तो यहाँ से क्या क्या याद रखना है, WHO का जो कोलैबोरेटिव सेंटर है ITRA एंड न्यू दिल्ली में है, आपको डिप्यूटेशन आयुष एक्सपर्ट होना चाहिए P5 लेवल पर, और P4 लेवल पर एक टेक्निकल ऑफिसर होना चाहिए, और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने WHO के साथ मिलकर एक कोलैबोरेटिव सेंटर प्रोजेक्ट पर साइन किया, कितने, 3 प्रोजेक्ट पर साइन किया 2016 में, ठीक है। नेक्स्ट है डेवलप WHO एम योगा ऐप। देखिए आज की क्लास में हम पूरा बेसिक पढ़ने वाले हैं ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड, बाकी इसके बाद हम पढ़ेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने कौन कौन से ऐप लॉन्च किए, ठीक है। प्रीवियस ईयर के 4 से 5 पेपर आप उठा के देखिए, पूरा हमारा अभी तक हमने जो पढ़ा है सारा कवर हो रहा है, ठीक है। तो एक ऐप लॉन्च किया WHO ने, क्या किया है, एम योगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एम योगा ऐप को लॉन्च किसने किया है, तो WHO ने किया है, ठीक है। ऑथेंटिक योगा, जस्ट अ क्लिक अवे द WHO एम योगा ऐप, इस टाइप से उसका सिंबल दिखता है, ठीक है। WHO हैज पब्लिश्ड बेंचमार्क फॉर ट्रेनिंग एंड ट्रीटमेंट इन आयुर्वेदा योगा एंड यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। WHO ने एक बेंचमार्क को क्या किया, पब्लिश किया, किसके लिए पब्लिश किया, और ट्रेनिंग के लिए और ट्रीटमेंट के लिए, कौन सा, जो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है उसकी ट्रेनिंग उसकी ट्रीटमेंट के लिए एक बेंचमार्क क्या किया है, पब्लिश किया है, ठीक है। नेक्स्ट जो अभी करंट का है, एग्जाम में पूछा ही जाना चाहिए, 10 जनवरी 2024 को ये लॉन्च हुआ, बहुत इम्पोर्टेंट है, ICD-11 मॉड्यूल 2। ICD क्या होता है, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीजेस, है ना। जो 11 नंबर का ICD है और मॉड्यूल 2 है, ये कब लॉन्च किया, ठीक है। तो विद द रिसेंटली लॉन्च ICD-11 मॉड्यूल 2 बाय WHO, किसने लॉन्च किया, WHO ने लॉन्च किया इन दिल्ली ऑन जनवरी 10, 2024। 2024 जनवरी 10 में WHO ने न्यू दिल्ली में एक मॉड्यूल लॉन्च किया ICD-11। ICD का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीजेस। ये होता क्या है, द मॉर्बिडिटी कोड्स ऑफ आयुर्वेदा सिद्धा एंड यूनानी हैव नो
और नाउ वीन इंक्लूड इन द इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीजेस। आईसीडी जो होता है यहाँ पर जो डिसीज है उन सभी का मार्किंग इसमें रहता है ना, उन सारे कोड को आईसीडी में रखा जाता है। तो इससे क्या फायदा होगा है ना, तो जो हमारा इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, आयुर्वेद सिद्धा एंड यूनानी, इसकी जो डिसीज है इसमें उन्होंने क्या कर दिया है, इंक्लूड कर दिया है, जिससे क्या होगा हम आसानी से हमारी जो डिसीज है इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, जो आयुष में डिसीजेस आती है उनको हम इसमें आसानी से सर्च कर सकते हैं। और क्या फायदा हो सकता है तो देखते हैं। हैव नाउ बीन इंक्लूडेड इन द इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीजेस, देयर बाय फैसिलिटेटिंग द कम्युनिकेशन विद द वर्ल्ड कम्युनिटी ऑफ फिजिशियन एंड हेल्थ रिसर्चर इन द टेक्निकल टर्म्स ऑफ देयर ऑन। इससे क्या होगा, अगर इस बुक में हमारे डिसीजेस का नाम आ गया है तो इससे ज्यादा से ज्यादा लेवल पर इसको कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है ना। और जो इंश्योरेंस कंपनी होती है, एक वो रहता है ना कि इसमें जो डिसीज के नाम होंगे उन्हीं पर आपको जो हेल्थ इंश्योरेंस आपने कहा है उसमें मिलेगा पैसा, है ना। तो ये सारी चीजें इंश्योरेंस कंपनी के लिए भी क्या होगा, फायदेमंद होगा, ठीक है। तो याद रखना है कब हुआ था, कहाँ पर हुआ था, ठीक है। तो आई एम नाउ शेयरिंग विथ यू, हाँ ये नरेंद्र मोदी जी का कथन था ICD-11 से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं। WHO ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर, WHO GTMC, बस एक मिनट का टाइम दीजिए। WHO ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर, द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज एस्टैब्लिश द वर्ल्ड फर्स्ट एंड द ओनली ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर इन जामनगर इंडिया। ये क्वेश्चन जो है 2023 AIPGT का, जो 2023 का पेपर है उसमें पूछा गया था कि विश्व का एकमात्र सेंटर, सबसे पहले विश्व का सबसे पहला सेंटर किसका, ट्रेडिशनल मेडिसिन का, ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन का जो सेंटर है सबसे पहले कहाँ पर हुआ, एस्टेब्लिश इंडिया में हुआ है ना। विश्व का सबसे पहला सेंटर इंडिया में, जो कि कहाँ पर, जामनगर में। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, ठीक है। द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन किसने मिलकर इसको एस्टेब्लिश किया, तो WHO प्लस मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने इसको मिलकर एस्टेब्लिश किया, कहाँ, जामनगर में, जो कि विश्व का सबसे पहला ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर था, ठीक है। ये कब हुआ, तो अप्रैल 19, 2022 में एस्टेब्लिश हुआ। 22 में हुआ था तो 23 के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। ग्लोबल रिकॉग्निशन आयुष डायनेमिक रोल और इन इंटरनेशनल समिट एंड फोरम, ये कहाँ पर हुआ था, ये भी इम्पोर्टेंट है। 2023 में हुआ था, ठीक है, क्योंकि 2023 में एग्जाम हो गया था आपका जुलाई में, उसके बाद हुआ, तो इस साल ये पूछा जा सकता है। फर्स्ट WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट टूवर्ड्स हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल बी हेल्ड इन गांधीनगर, गुजरात। गुजरात के गांधीनगर में हुआ था, कब, 17 से 18 अगस्त 2023 में। बहुत इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट है, फर्स्ट है इसलिए इम्पोर्टेंट है। जगह का नाम याद रखिएगा है ना, अगस्त के मंथ में हुआ था 2023 में, ठीक है। गुजरात डिक्लेरेशन एज आउटकम डॉक्यूमेंट, ग्लोबल समिट है ना, गुजरात डिक्लेरेशन, इसको अच्छे से याद करिएगा। अगला है ब्रिक्स टीएम वर्टिकल, आयुष इन ब्रिक्स हाई लेवल फोरम ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन, पूछा जा सकता है किससे रिलेटेड है ना, ट्रेडिशनल मेडिसिन से रिलेटेड है। ऐसे ही आयुष स्कॉलरशिप स्कीम क्या होती है, देयर हैज बीन एन इंक्रीज अवेयरनेस, हाँ आयुष के प्रति जो है अवेयरनेस बढ़ती गई है, इसको देखते हुए एक स्कीम चलाई गई है एट प्रेजेंट फॉर एकेडमिक ईयर 2022-23। इसके लिए इसमें क्या है, 277 स्टूडेंट को अभी छात्रवृत्ति मिल रही है, कितनी कंट्री के हैं वो, 32 कंट्रीज है ना, ये कवर करता है स्कॉलरशिप स्कीम 32 कंट्रीज को, जिसमें 277 स्टूडेंट इसके लाभ उठा रहे हैं। आर टेकिंग आयुष एजुकेशन इन डिफरेंट इंस्टीट्यूट अंडर आयुष
फेलोशिप स्कीम। ये था हमारा आज का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसको आप अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि एग्जाम में पिछली साल यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही गया था। और एक और चीज बता दूँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करेंगे तो वहां पर आप देखेंगे जो हमने सेंट्रल सेक्टर स्कीम पढ़ी थी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की, वहां से भी क्वेश्चन पूछा गया है ना। जो हमने पढ़ा था ना कि डे केयर सेंटर हुआ, इस टाइप का जो एस्टेब्लिशमेंट है किस स्कीम के अंतर्गत आता है, ये भी पढ़ा। फिर हमने ई चरक पढ़ा था, वो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था। तो सारी चीजें आपसे बनेगी, बस आपको ध्यान से इसको पढ़ना है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज एक बार लाइक जरूर करिएगा, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले वीडियो आपको मिलते रहे। थैंक यू सो मच।